सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग राजगीर नेचर सफारी का टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन भी इसका बुकिंग होता है, बट वहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, दिन में बस 800 लोगों का। 800 लोगों से अगर ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को जो है टिकट नहीं मिलेगा काउंटर से। सो इससे अच्छे आप लोग पहले से ऑनलाइन में बुक करके जाइए, इतना दूर अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो। सो ये सिंपल छोटा सा एक वीडियो रहेगा। सबसे पहले आप लोग नेचर सफारी राजगीर .in बोल के जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर आपको जाना है, और जो है मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि अभी आप लोगों को दिख रहा है। यह भी देखिए जो आप क्या मतलब कहाँ कहाँ पे आप वहाँ पे घूम सकते हैं, वो सब आपको जो यहाँ पे लिस्ट वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है। सस्पेंशन ब्रिज है, यहाँ पे ग्लास ब्रिज है, यहाँ पे आप जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। और बाकी तो एक बहुत ही अच्छा जगह है, अभी टिकट पे भी आप लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट पे भी क्या आ रहा है। टिकट पे अभी, हाँ टिकट पे अभी देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है वो है कि आप 3 दिन एडवांस में अपना बुकिंग कर सकते हैं। सपोज आप 10 तारीख को जा रहे हैं तो आपका जो बुकिंग है वो 7 तारीख से शुरू होगा। और एक बात ही ये मंडे को बंद रहता है, वो आप दिमाग में रखिए, इसको थोड़ा अच्छे से प्लान कीजिए कि मंडे को आप नेचर सफारी नहीं घूम सकते, ठीक है। और जो है 3 दिन पहले आपको टिकट बुकिंग होगा। इतना ही है डाटा, अभी हम लोग एग्जैक्ट जाएंगे कैसे टिकट बुकिंग करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको नेचर सफारी राजगीर .in/tickets पे आपको जाना है, वही वो वेबसाइट है इसका ऑफिशियल। एंड देन आपको जो है अभी यहाँ पे नीचे आपका फ़ोन नंबर है, अभी आप लोगों का अभी यहाँ पे इनपुट करना है। आप अपना फ़ोन नंबर पहले यहाँ पे इनपुट कीजिए, देने के बाद आप यहाँ पे जो है सेंड OTP पे दबाइए। सेंड OTP पे दबाने के बाद आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, और इस तरीके से कुछ जो है OTP आता है आपका मोबाइल पे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ। सो वहाँ से जो है आपको OTP ये वाला सेकंड वाला बॉक्स पे आपको सबमिट कर देना है। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे बुकिंग होता है। फिर दोस्तों अभी यहाँ पे आप लोगों का आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड और आईडी कार्ड दे रहे हैं। यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड तीनों का मान्यता है। उसके बाद आपको उस चीज़ का नंबर देना है, मेरा केस पे मैं जो आधार कार्ड के यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पे नीचे से सिलेक्ट करना होगा कि एडल्ट कितना लोग है और बच्चा कितना लोग है। अगर एडल्ट है तो आप 2-3 है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और बच्चे का तो 0 है। टोटल फीस आपको पे करना है यहाँ पे 100 रुपये। फिर आप जो है यहाँ पे आप सब कुछ चेक करने के बाद नेक्स्ट पे दबाइए। और हाँ, अभी आप लोगों का सामने जो आ रहा है वो है डेट, कौन सा डेट पे आप जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ 10 सितंबर को, और टाइम स्लॉट मैंने चूज़ किया 9 बजे का टाइम स्लॉट। और देखिए आप लोगों को जो है ये 100 रुपये में आपको कहाँ कहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा। नेचर सफारी की एंट्री होगा आपको, फिर इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, फिर आप जो है यहाँ पे एक 180 डिग्री व्यूइंग रूम है, वहाँ पे आप लोगों को 3D का शो दिखाएगा। आप ये सब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये सब चेक करने के बाद आप लोग डेट और टाइम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आप लोगों को बोल रहे अगर आपको मड हाउस में एक दिन के लिए रहना है 500 रुपये लगेगा, उसका अलग सा चार्जेस होता है, तो आप उसको भी ऐसे बुक कर सकते हैं अगर आपको चाहे, बट मैं उसको बुक नहीं करूँगा। सो मैं अभी पेमेंट पे दबा देता हूँ। सो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ये वाला पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, सब तरीके से आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी जो है UPI का माध्यम से अभी यहाँ पे पेमेंट करूँगा। और UPI में ऐसा डालने के बाद नाम आ जाएगा, देन पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आप जिस ऐप का UPI ID दिए है, फ़ोनपे, गूगल पे, उस ऐप पे आपको जाना है। आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा। फिर वो ऐप पे जाके आप जो है ये पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आपको ये पेज को किसी भी तरह से कोई तरह का रिफ्रेश या तो क्लोज कुछ नहीं करना है, बस आप अपना पेमेंट कीजिए, ये पेज सब बाकी काम अपने आप कर देगा। और कुछ इस तरीके से जो है आपका पेज रिफ्रेश होके ये वाला आपको दिख जाएगा कि हाँ पेमेंट सक्सेस। आप लोग जो है अभी यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पे गो टू होम पे दबाइए। दबाने के बाद आपको वैसे कुछ नहीं दिखाएगा जैसे कि री लॉगिन वगैरह ऐसा कुछ। दोस्तों ये बुकिंग होने के बाद जो है आप एक बार अपना ईमेल को चेक कीजिए। जैसे कि मेरा केस में मैं अभी यहाँ पे अपना ईमेल चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कि टिकट जो है ईमेल पे आया है कि नहीं। ईमेल पे जो एक ईमेल तो मुझे यहाँ पे आया है वो है ट्रांजैक्शन का। देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा है कि किसके लिए बुक किया गया है, कहाँ पे, कितना अमाउंट, सब कुछ आपको ईमेल पे डिटेल्स मिल जाएगा। बट हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए टिकट। वो टिकट का कैसा है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोगों को वो जो लिंक SMS में आया है वो लिंक हम लोगों को यहाँ पे जो है
वो लिंक पे भी हम लोग को जाना होगा, ये रहा वो लिंक। चलिए इस पर प्रेस करते हैं। यहाँ पे प्रेस करने के बाद जो है तो ऐसा आपको टिकट दिख जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली एक QR कोड है और एक्चुअली एक इमेज फाइल है। आप जो है इस इमेज फाइल को सेव कीजिए अपना कंप्यूटर पे, और सेव करने के बाद अपना मोबाइल पे इसको कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज आप इस टिकट को आपका कोई दोस्त को सेंड कर दीजिए व्हाट्सअप पे, तो आपको गेट पे दिखाने के लिए आसानी होगा, आपको जल्दी से मिल जाएगा। और अभी जो है हम लोग इस टिकट को सेव करेंगे हमारा डेस्कटॉप पे। सो कुछ इस तरीके से अभी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके हम लोग इसको सेव कर दिए। सो ऐसा ही कुछ है टिकटिंग का पूरा प्रोसेस, ईजी प्रोसेस था। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग अपना नेचर सफारी का टिकट बुक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी तरह का परेशानी होता है टिकट बुक करने में, देन आप लोग मुझे कमेंट में पूछें, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। अभी आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोग कब नेक्स्ट राजगीर विजिट कर रहे हैं। दोस्तों इस बार 3 दिन के लिए मैं राजगीर घूमने जा रहा हूँ, और राजगीर नालंदा ये सब जगह का व्लॉग्स जो है एक एक करके चैनल पर आता रहेगा। बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही बेहतरीन जगह है, हमारा हिंदुस्तान के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इस सब जगह से। आप लोगों को मैं जो है सब अपडेट्स एक एक करके देता रहूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो की वजह से मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, धनिया माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू आर वॉचिंग एपिक सफ़र। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई।